अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है और वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग जो है बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे काम करेंगे और कोई स्पेशल इतना भी नहीं है, लेकिन और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो आज मैंने जाना है शादी पर, और शादी किसकी है, मेरी फ्रेंड समझ लें, चुनी मुनी सी एक हमारी दोस्त है और वो बच्ची हमारे घर में ही पली बड़ी है, यानी कि बिल्कुल उनका साथ घर होता था और ज़्यादा टाइम हमारे घर में स्पेंड करती थी और काफ़ी दोस्ती है उसकी हमारे साथ। और वो कार्ड देने आई तो कहती है कि आपने लाजमी आना, लाजमी आना। मैंने कहा ठीक हो गया जी, और अयान तो नहीं जाएंगे, आज मेहंदी है। तो अयान वैसे भी कह रहा था मैंने नहीं जाना अभी कि कल छुट्टी है, लेकिन वैसे भी इसके टेस्ट चल रहे हैं। तो मैंने कहा था चलो खैर, अगर आपने मेहंदी पे जाना तो, लेकिन कह रहा था मैंने नहीं जाना, तो कल बारात है तो कल तो नहीं मैं इसको लेकर जाऊंगी क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं ना, फिर बच्चों को ना देखूँ तो बड़ा टाइम जो है ना उनका वेस्ट होता है। उसके साथ ये है कि बच्चे जो है ना फिर बोरियत भी फील करते हैं। तो खैर मैंने कहा कि उसने इतने प्यार से बुलाया है और बाकी ये है कि लाजमी जाना चाहिए जी। तो मैं फाइनली रेडी शेडी हो गई हूँ जाने के लिए, तो मैं ही जा रही हूँ। और ये है कि उधर अम्मी वगैरह ने भी जाना है, अम्मी जाएंगी आज और पता नहीं देखें और कौन कौन जाता है। तो बाकी बड़े अरसे बाद अपने इस मोहल्ले में मैंने अपना एक शादी अटेंड की है। एक दो दफ़ा पहले भी गई हूँ, लेकिन वो काफ़ी अरसा और सीधे शादी हॉल में थे, लेकिन ये ना इन्होंने घर की छत पे था मेहंदी का फंक्शन, और कल जो है वो बारात जो है वो इंशाल्लाह उसमें होगी हॉल में। तो बड़ा अच्छा लगा, सारी मोहल्ले की लेडीज़ आई हुई थी। और हमें ना वैसे भी हमारे मोहल्ले में अब तो बड़ा ही चेंज हो गया है कि जो हमारी एज फेलोज थी सबकी शादियाँ हो गई अपने अपने घरों वाली है, वरना जो जब हम लोग शादी से पहले थे ना तो तब हर घर में दो दो तीन तीन लड़कियां थी और काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और बड़ा इन्वायरमेंट भी तब बहुत अच्छा था, हालात भी बहुत हर बंदे के अच्छे थे। हालात मतलब यानी कि आजकल तो जिस तरह से है ना वो चीज़ नहीं, कुछ सालों 14-15 साल पहले चले जाओ ना तो काफ़ी यानी कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी सब में, और बड़ा ही मज़ा आता था कि आंटियाँ भी गई हुई होती थी हर शादी में और लड़कियाँ भी, तो बड़ा मज़ा आता था, खूब मिलकर इंजॉय करते थे। तो खैर इसी तरह से यादें जो है ना वो फिर आती हैं कभी कभी ऐसे मौक़ों पे। तो जी शादी वो मेहंदी पे बड़ी प्यारी दोनों बहनें लग रही थी, दोनों की थी, और मैंने हल्की हल्की सी उनकी जो है ना कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा तो नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक तो टाइम नहीं मिला इतने अरसे बाद सब मिली, और वैसे भी फिर ना वहाँ पर कोई ना मुझे बेहतर नहीं लगा कि बच्चे और ये वो काफ़ी हंगामा शोरगुल था इस वजह से। तो खैर आज बारात है, नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। तो नेक्स्ट डे जो है ना और भी बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस थे, तो अफजल से मैंने कहा आप चलेंगे मेरे साथ हॉल में जाएंगे, तो कह रहे थे ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो ये देखेंगे, ड्रेस बड़ा प्यारा था, पहले प्लान किया था मैंने बारात के लिए ये वाला फ़्रॉक पहनूँ, ये पहना इतना अच्छा लगा। और भी दो तीन ड्रेसेस थे, लेकिन ना मेरा पता नहीं क्यों दिल किया कि मैंने नहीं ये सारे पहने। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और जब तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर भले जितना मर्ज़ी कर लो। पहले तो मेरा ना मैंने सोचा कि आज रहने देते, फिर मैंने कहा नहीं, उसने इतने प्यार से बुलाया है, चाहे एक ना फॉर्मेलिटी सही, लेकिन मैंने लाजमी जाना है। तो खैर हिम्मत करके ना, तो फिर ये है कि मैंने ना ये वाला सिंपल सा बिल्कुल था, यान कहता मामा ये कौन सा आपने पहन लिया, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैंने ये वाला पहन लेती हूँ ना। तो फिर खैर मैं और अफजल गए थे और अयान घर में था, तो मेहंदी का खाना भी बड़ा अच्छा था और बड़ी प्यारी लग रही थी, वो दोनों घर में ही रेडी हुई थी और ट्रेडिशनल खाना था, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा। और यहाँ पर ये है कि बारात पे मैं आ गई हूँ, और बारात पे माशाल्लाह ये दोनों इतनी प्यारी लग रही थी ना, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। देखते देखते पता ही नहीं चलता कि हम बहनों को बड़ी वो हो रही थी ना कि देखो अब माशाल्लाह से अपने घर वाली हो गई है। तो मैं लेट पहुंची, तो बल्कि सब कह रही थी लेट आई हो आप, तो मैंने कहा बस मैं इसी तरह से लेट हो गई। तो खैर हम लोग जल्दी के और टाइम पे ही आ गए थे हॉल का, आपको पता है वैसे भी जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो फिर खैर घर में आके तो मैंने कहा अपना ज़रा ना फेस जो मेकअप शेकअप है ना, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी किया तो था, तो इसको मैं रिमूव कर लूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ना गार्नियर का है रिमूवर मेकअप, तो इसके साथ ही मैं ना मेकअप को क्लींस कर लूँगी और बड़ा अच्छा हो जाता है इससे। और ये है कि अगर ना वैसे ही सो जाएं या मेकअप ना साफ़ करें तो बहुत ही अजीब जो है ना आपकी जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद जी ये सील देख लें,
सेल जो थी ये मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगी और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलेंगी कि अगर कहीं सेल लगी है, ब्रांड की चीज़ें हैं, चीप क्वालिटी में हैं, लो प्राइजेस वाली हैं, तो मैं आपको सब उस पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सेल थी बुर्जन की, और बुर्जन के जो जूते हैं ना बड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो यहाँ पर समर विंटर दोनों के लिहाज से थे, लेडीज़ भी हैं एंड जेंट्स के लिए भी हैं। तो मैंने सोचा ये क्लिप ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आप लोग लाजमी यानी कि विज़िट करना है तो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। हर तरह की क्वालिटी वहाँ पर थी, हर तरह की प्राइजेस जो कि आपके बजट के अंदर रह कर भी थी। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं जो जूते मैं भी लेकर आई थी स्टाइलो एंड बुर्जन से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये बुर्जन से मैंने जूता लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तीन मैंने लिए थे, एक स्टाइलो से लिया था, दो बुर्जन से। और मैं बहुत फैंसी नहीं लिए और समर के लिहाज से नहीं मैंने लिए, मैंने विंटर वाले लिए हैं ताकि आगे भी ये चले, क्योंकि आगे अब गर्मी जब आएगी तो फिर देखी जाएगी और सर्दी के लिहाज से तो यही चीज़ें काम आनी हैं। तो खैर मुझे बड़े मुनासिब भी मिले थे और बड़े अच्छे भी मिल गए थे। एक ये वाला मुझे कैमल कलर बड़ा अच्छा लग रहा था, और एक यही सेम कलर मैं हील में लेकर आई थी, और हील के जूते भी बड़े अच्छे लग रहे, बहुत ज़्यादा कैजुअली अगर इधर उधर कहीं जाना है तो ये वाला जो है ना ये बड़ा मज़े का जूता है, और ये भी बड़ा अच्छा है ना, मुझे ये पर्सनली कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह का और एक जो स्टाइलो कलर है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये भी रीज़नेबल मुझे मिल गए थे दोनों जूते ना। तो इसी तरह से सेल में कभी कभी जो है ना चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं, और वैसे भी यूज़ करने के लिए मैंने लेने ही थी। इस दफ़ा मैंने अभी विंटर के ना जूते नहीं लिए थे, आपको पता है कि अगर मैं वैसे भी ये बन टाइप जूते ना ज़्यादा पहनती हूँ, और ये है कि वो फिर ना जितने निकलना होता है अंदर बाहर जाना आना होता है तो वो फिर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था इस दफ़ा लूँगी, तो फिर खैर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लगी तो मैंने कहा लाजमी लेने चाहिए। तो जी यही आज का व्लॉग था, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।